बहुत अच्छा फील हो रहा है, 100 एकदम 1000 जैसे लग रहे हैं, बिकॉज पता भी नहीं चला और इतनी सारी चीज़ें हो गई और कुछ नया फील नहीं हो रहा है. ऐसे लग रहा है कि हाँ काफ़ी टाइम से हम काम कर रहे थे विदाउट एनी ब्रेक, तो ऐसे नया नया वाला तो नहीं, बट एक्साइटमेंट हमेशा डेली रहती है. और फाइनली टचवुड हमने 100 टच कर लिया है और आगे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज एक तो हमारा टाइम स्लॉट भी चेंज हो गया है इसी के साथ, 100 एपिसोड्स के साथ हमारा एक वीक हो गया है टाइम स्लॉट चेंज हुए, जिसमें हमने स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हैं, थोड़ा यंग फील ऐड किया है, काफ़ी ड्रामा आप मुझे देख सकते हैं, मैं एक अलग अवतार में हूँ आज. तो ये सारी चीज़ें हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट बढ़ गई है ऑफकोर्स, और जो आप इतना प्यार देते हैं वो तो वेल इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, बहुत बहुत अच्छा ही लगता है. हम लोग पूरा टीम मेहनत कर रहा होता है स्टार्टिंग से, जब स्टार्ट होता है एंड देन उसके बाद कब इतना जल्दी जर्नी 100 तक पहुंच जाती पता नहीं चलता है, एंड देन हम लोग आज सेलिब्रेट करते हैं साथ में, फिर सारे मोमेंट्स रिकॉल करते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है. बिकॉज आई नो मेरी हर एक डिपार्टमेंट, मतलब हर एक टीम, नॉट ओनली एक्टर्स डिपार्टमेंट, एवरीवन दे आर गिविंग द 100%, एंड आज हम 100 क्रॉस कर गए, आई एम श्योर कि आगे भी हम मार्क्स क्रॉस करते रहेंगे. तो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग एज एन एक्टर, बहुत अच्छा फील होता है. मैं तो अपने फैंस को ये बोलना चाहूँगी, बिकॉज जब भी अविनाश और मैं एडिट्स देखते हैं हम इतना अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज हमारे एडिटर से ज़्यादा आप अच्छे एडिट्स बनाते हैं, और हम लिटरली सोचते हैं कि यार ये कितने मूवमेंट्स को लिरिक्स के साथ आप लोग इतना ज़्यादा ये करके करते हैं, तो एवरी मूवमेंट बहुत स्पेशल है, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट हम कुछ भी काम करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत स्पेशल ही होता है. एक अगर स्टैंडिंग भी है, कुछ लाइन्स भी नहीं है, तो वो भी हमारा उसमें भी डेडिकेशन चाहिए, तो फिर हम हर एक चीज़ को इन्जॉय करते हैं और आपका प्यार जो है उसको हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं. वेल टू बी ऑनेस्ट, अभी सारे सीन वैसे ही हम लोग के होते हैं, बहुत बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इमोशनली हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बिकॉज आई फील यही हमारा USP है, जितने भी सीन हम कर रहे हैं हम लोग बहुत इमोशनली उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे शो को अप्रिसिएशन जो मिल रहा है बाहर, एंड जो लोग पसंद कर रहे हैं, एंड व्हेन दे टॉक अबाउट द शो, जो शो के सीन्स के बारे में बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है. एंड आई एम श्योर कि ये सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जितने एक्टर्स हैं वो सारे कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर्स, क्रिएटिव, सब लोग उतना ही मेहनत कर रहे हैं. ऑफकोर्स जब ये बात आई थी कि हमारा कुछ ऐसा हो रहा है टाइम एंड ऑल का, तो फिर लकीली हमें अच्छा इसलिए फील हुआ बिकॉज आजकल शोज़ आते हैं और चले जाते हैं, और हमें शिफ्ट किया गया 6:30 पे, अभी कल हमारा TRP इसका आ जाएगा, और ऑलरेडी हमारे पास न्यूज़ है कि काफ़ी कुछ ऐसा ड्रॉप नहीं हुआ है, सारी चीज़ें ठीक ही है, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि लोग 6:30 पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दे आर एवरीथिंग, वही तो है सब कुछ, लाइक वो फैंस के बगैर हम हैं ही कौन, वो देख रहे हैं हमें, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो हमारे कैरेक्टर से इतना जुड़ जा रहे हैं, मतलब दे फील वॉट एवर वी एक्चुअली फील. हम अगर शो करते हैं, लाइक मैं अगर शो कर रहा हूँ घर वैसा फील कर रहा हूँ, उनको वो फील होता है, अगर तितली को शो करिए तो उनको वो फील होता है. सो आई गेस वही है हमारे लिए सब कुछ, हम जो भी कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, एंड उनका प्यार हमेशा से सबसे ऊपर रहा है और उन्हीं का रहेगा.